guys, welcome to my channel. My channel name is Indian Girl in Japan. As you know, I am a Kavita. और बहुत दिन के बाद इस तरह के videos बन रहे हैं और अच्छा लग रहा है. आज का weather भी बड़ा अच्छा है टोक्यो में. और ये जो है यहाँ पर जो है वो स्टेशन का एरिया है. अभी मैं बालकनी में ये जो है वीडियो शूट कर रही हूँ. बहुत अच्छी खासी बड़ी बाहर खानी है तो उसको कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ. तो हाँ, तो ये जो टॉपिक है ये जो मेरे जूनियर सब्सक्राइबर्स जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था लास्ट टू लास्ट वीक कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ. तो मैंने सोचा कि अब तक किसी ने बनाया नहीं है इस टॉपिक पर वीडियो, चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ, बना लेती हूँ. और यस, बनाने के लिए कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोज़ नहीं क्रिएट करती. मुझे व्लॉग्स करना नाउडेज आई एम मतलब थोड़ा सा मुझे ना उस तरफ का इंटरेस्ट आ गया व्लॉग्स बनाना. तो वीज़ा रिलेटेड कि वो बहुत कम मैं वीडियो बना रही हूँ. और बहुत अदर चैनल्स में आपको मिल जाएगा वीज़ा रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस रहेंगे या फिर मतलब होता है ना किसी किसी को कि जापान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. अदर्स क्रिएटर्स हैं उन लोग वो वीडियोस बना रहे हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो. तो यस, मैं इतना ही बोलूँगी. हाँ, तो ये है गाइस कि ये बहुत दिन के बाद वीडियो बन रहा है और अच्छा लग रहा है वीडियो बनाकर इस टॉपिक पे जो वीडियो बन रहा है. और ये है, ये जो आज का जो टॉपिक है वो ये है. एक जो मेरे जूनियर सब्सक्राइबर भी बोल सकते हो और जो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करता है बंदा, उसने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की थी कि मैम आप इस पर टॉपिक बनाओ. तो मैंने उन्हें इमीडिएट रिप्लाई करके बोला था कि नाउडेज मैं जो हूँ मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ, मैं इस टॉपिक के जो रिलेटेड की वीडियोज़ बहुत कम बना रही हूँ, अब अदर यूट्यूबर्स को बोलो. तो वो उसने मुझे एक इमीडिएटली रिप्लाई दे दिया कि मैम अगर अदर यूट्यूबर अगर को बोलने के लिए जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये कि आप एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हो और दूसरी बात है कि अदर यूट्यूबर्स के जो वीडियोज़ है ना वो बोलना कुछ और होता है. इतनी लंबी वीडियोज़ बना देते हैं ना 20-20, 15-15 मिनट की. तो जो मेन टॉपिक पे होता है वो तो स्टार्ट हो लोग बहुत लेट कर देते. तो उन्होंने मुझे इस तरह का बोला है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही. तो ठीक है, चलो टाइम वेस्टिंग करते, ये जो वीडियो होगा शॉर्ट होगा, छोटा सा होगा, मैक्सिमम 7 या 8 मिनट्स का होगा. तो मैं लिख दूंगी कि आपको डायरेक्टली जंप करके वीडियो पे जाना है तो वो टाइमिंग में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, डोंट वरी. ओके, तो आज का जो टॉपिक है ना गाइस वो ये है कि आप जैसे ही जापान में लैंड करते हो उसके आगे की प्रोसेस क्या है. ऐसे आप लोगों को बहुत सारी, इवन मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिले होंगे कि स्टूडेंट वीज़ा, हाउ टू अप्लाई स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलता है, क्या मिलता है. लेकिन स्टूडेंट वीज़ा के आगे की जो प्रोसेस है वो शायद से बहुत कम क्रिएटर्स ने आप लोगों के साथ शेयर किया होगा. तो वही मैं आज ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. तो चलिए गाइस, ये वीडियो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी, गौर से सुनो, ये मेरा खुद का ओन एक्सपीरियंस था और हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है. हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पर है यूट्यूब पर. तो ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं 2014 में यहाँ पर आई जापान में. और आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तो बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन है, एयरपोर्ट पे लैंड करने के आगे की प्रोसेस बताओ. तो एयरपोर्ट पे जैसे ही आप लैंड करते हो ना स्टूडेंट वीज़ा वाले, तो स्टूडेंट वीज़ा को वहीं पर ही इमीडिएट ज़ाहिरियो कार्ड जो होता है वो मिल जाता है. ज़ाहिरियो कार्ड मतलब आपकी एक आइडेंटिटी होती है कि अगर आप जापान में हो तो आपको कभी कभार पुलिस ने पकड़ा या फिर कुछ हो गया, बैंक से जाना है आपको, या मतलब कहीं पर भी आप कुछ ऐसा ऑफिशियल वर्क कर रहे हो जापान में, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो आपका एक आईडी होता है. कहीं आप एयरपोर्ट पर लैंड होते हो, नरिता एयरपोर्ट हो या हानेडा एयरपोर्ट हो या फिर कहीं अदर सिटीज़ के एयरपोर्ट्स हो, जैसे ही आप वहाँ पर लैंड हो रहे हो ना तो वहाँ पर ही आपको इमीडिएटली आपके आई स्टेस और फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपको ज़ाहिरियो कार्ड प्रोवाइड किया जाता है. और ज़ाहिरियो कार्ड प्रोवाइड जब होता है ना, इग्नोर दैट वेरा मैं व्हाट्सअप के मैसेजेस चल रहे हैं, तो जैसे ही मिल जाता है ना तो आपको बहुत सारे लोगों को वहीं पे ही ऑन द स्पॉट 28 आवर्स पर वीक का जो होता है परमिशन मिल जाता है और बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है. तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, ठीक है.
ऐसा ही होता है। फिर जैसे ही आपने वो मतलब ज़ाहरियो कार्ड आपको मिल गया, ठीक है, ज़ाहरियो कार्ड मिलने के बाद आपको करना क्या है, तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर आओगे या फिर आपको स्कूल के हॉस्टल जाना है, आप स्कूल के हॉस्टल जा सकते हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स के घर जाना है तो आप रिलेटिव के घर जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर लैंड हो गए, सेकेंड डे का प्रोसीजर जो होता है, सेकेंड डे आपको ऑन द स्पॉट जो करना होता है वो होता है, आपको सबसे पहले जाना होता है इंकान बनाने के लिए, इंकान या फिर हांको बनाने, जो ये जो है ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। पीएस, यहाँ पे कुछ लोग मुंह उठा के चले नहीं आए कि हमने ये किया था, हमने वो किया था, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं किसी अदर के एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर शेयर करने के लिए नहीं आई, ठीक है। तो मैं जो थी, मैं सेकेंड डे इंकान बनाने के लिए गई थी, और इंकान हांको, हांको मुझे बहुत कंपलसरी था क्योंकि मुझे पता था आगे की प्रोसेस क्या है यहाँ पर। तो मैं इंकान बना कर लेकर आई, इंकान आपको डोंकी होते हैं यहाँ पे भी मिल जाता है, 500 येन का होता है, या फिर आपको अच्छा परफेक्ट वाला एकदम मस्त वाला इंकान बनाना है तो आपको 1500 से 2000 येन यहाँ पे स्पेंड करने होते हैं, जो बॉक्स के साथ, उसमें आपको रेड कलर का इंक भी मिल जाता है उसके साथ, ठीक है, वो वाला। तो मैंने वो बनाया, मेरे अराउंड 2000 से 2500 येन मुझे लग गए। तो सेकेंड डे मैंने वो प्रोसेस की, तो सेकेंड डे ऑन द स्पॉट मैं गई शियाक्षो, शियाक्षो जाओ या फिर कुयाक्षो जाओ। शियाक्षो क्या होता है, शियाक्षो एक सिटी हॉल होता है, अब जिस सिटी में रह रहे हो उस सिटी का पर्टिकुलर हॉल होता है, एक मतलब सिटी हॉल आप उसे कहा कह सकते हो। तो एदोगावा कू के लिए एदोगावा का जो कुयाक्षो है वो है, तो सिटी हॉल वहाँ पर है, तो आप वहाँ पर अगर मैं मतलब आपको वहाँ जाना होता है, वहाँ पर जाने के बाद आपको एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो बनाना पड़ता है। अभी ये क्यों बनाते हैं नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, हम क्या करें स्टूडेंट का, तो बहुत सारे लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता दूँ, ये हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए होता है कि आप इमरजेंसी में आप कभी कभार बीमार हो गए या फिर कुछ हो गया, आपको एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, तो आपको इसमें 30% का एक जो होता है वो वारी भी की डिस्काउंट मिलता है, हॉस्पिटल में आप इसे यूज़ कर सकते हो। और मोस्टली हॉस्पिटल में 95 to 96% यहाँ पर जो है वो हो गए, नहीं रहेगा आपके पास नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, नहीं रहेगा आपके पास तो वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको वो लोग मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जापान में, राइट। तो वो मैंने सेकेंड डे पे जा था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस बन गया था, मेरा इंकान बन गया था, राइट है। तो थर्ड जो प्रोसेस थी वो मेरी, मैं उस ठीक से थर्ड डे पे गई थी, मैंने एक एक दिन में इतने बड़े बड़े काम नहीं किए थे, थोड़े थोड़े काम में करके जा रही थी क्योंकि मेरा स्कूल जो था वो 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, मैं यहाँ पर लैंड हो चुकी थी 30th of June को, तो मेरे पास 2 वीक का टाइम था तब तक के लिए, ठीक है। तो मैं थर्ड डे जो गई, मैं गई JP पोस्ट बैंक, और सबसे पहले मैंने पोस्ट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, और यस जो भी आ रहे हैं तो पोस्ट बैंक में अकाउंट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूँगी यही। और तो पोस्ट बैंक में जब आप जाते हो ना तो आपको इंकाम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने सेकेंड डे पे जो था वो इंकाम मैंने बना लिया था। और इंकाम जो है कुछ कुछ शॉप्स में ऑन द स्पॉट नहीं बनाकर मिलते हैं, कहीं कहीं पर ऑन द स्पॉट बनाकर मिल जाते हैं, तो बस वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होता है अच्छी तरीके से। तो वो थर्ड डे आपको जाना क्या करना होता है, आपको जाकर अपनी जो बैंक अकाउंट है वो ओपन करना होता है। अगर आपने वो ओपन कर लिया तो बस, हाँ मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी जापान में सेटल होने के लायक मतलब हो रहे हो एज अ स्टूडेंट वीज़ा पर भी, मतलब जो आपके पहले वाले काम है, जो आपका पहले का जो प्रोसेस है वो आप कर रहे हो ठीक से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थर्ड डे पर मैंने बैंक ओपन कर लिया, ठीक है। तो देखो मेरे को तो ऑन द स्पॉट ही ईमी है, मतलब जैसे ही मैं लैंड हो गई थी नरिता एयरपोर्ट पर, मुझे ऑन द स्पॉट ही क्यों का मतलब वो परमिशन मिल गई थी जॉब अरवाई तो करने की, पार्ट टाइम जॉब करने की। तो मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे भी थे जिन्हें नहीं मिला था ऑन द स्पॉट वहाँ पर, तो वो इमिग्रेशन गए थे शिनागावा के इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए, तो उनको भी मिला लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा उनको मिलने के लिए, तो मुझे ऑन द स्पॉट मिल चुका था। तो मेरा हो गया बैंक, हो गया इंकान, हो गया और होकेन हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब एकदम 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स है यहाँ पर जापान में,
अगर आप लैंड हो रहे हो, फर्स्ट आपको आपका इनकम बनाना होता है, जो है वो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस बनाना होता है। थर्ड जो है आपको किसी भी अकाउंट, किसी भी बैंक में अकाउंट खोलना होता है, ठीक है। अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए कि हम लोग अरबाई तो ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि आज हमने लैंड कर लिया, कल से हमें अरबाई तो ढूंढना है। तो देखो भाई, अरबाई तो भी आप ढूंढ रहे हो ना, तो उसके पहले अरबाई तो ढूंढते वक्त ढूंढ मिल भी गया ना, तो आपको रिरेक्शो के ऊपर खुद का इनकान लगाना होता है, हमको लगाना होता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे, अभी तो मतलब जब मैं आई थी तब तो बहुत कैश मनी के यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल थे, लेकिन जैसे जैसे अभी इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है ना, तो वैसे वैसे मोस्टली 90 to 95% यहाँ पर लोगों ने बैंक अकाउंट में मतलब पेमेंट देना स्टार्ट मतलब कर दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर पेमेंट दे रहे हैं, 90 to 95% पेमेंट यहाँ पर बैंक्स में दे रहे हैं। तो जैसे अभी आप पूछ रहे हो मुझे कि हम लोग को सेकेंड डे से अरबाई तो ढूंढ सकते हैं क्या, तो अरबाई तो आप ढूंढ सकते हो सेकेंड डे से, डेफिनेटली आप ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास अगर परमिशन है काम करने के लिए। लेकिन उसके लिए भी मैं तो आपको अकाउंट, आपका अकाउंट देना पड़ता है वहाँ पर, खुद का अकाउंट देना पड़ता है। सेकेंड आपका हंगकोज वहाँ पर होनी चाहिए। थर्ड वहाँ पर माई नंबर भी उन्होंने बना लिया है, और माई नंबर ये क्या होता है, ये आपको सिटी हॉल के थ्रू ही मिल जाता है माई नंबर। और माई नंबर में ये होता है कि आपके एक नंबर्स होते हैं, वो 12 डिजिट्स के नंबर होते हैं, तो डिजिट में पता चल जाता है, जैसे आपका नंबर न्यूयो का वो लोग डाल कर देते हैं ना, तो पूरा आपका जो आपने कितना काम किया, कितना पैसा अर्न किया, सब वो वहाँ पे डिटेल्स आ जाती, तो कुछ छुपा नहीं सकते आप यहाँ पर इस गवर्नमेंट के साथ, मतलब ये हमारे इंडिया का तरह है ही नहीं, बिल्कुल तरह है ही नहीं। तो यही होता है, तो मैं वही बोलूँगी अगर आपको ऑन द स्पॉट अरबाई तो मतलब ढूंढना भी है ना, तो उसके लिए आपके पास इनकम, बैंक अकाउंट वो सब और हेल्थ इंश्योरेंस ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो वही था कि कैसे सर्वाइव करें, क्या सर्वाइव करें, मुझे पूछा गया था लोगों ने, तो यही है 3 स्टेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके चलो अपने मतलब जब भी आप लैंड हो रहे हो तो ये अगर आप करके आगे जा रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ओके गाइस, तो ये वीडियो बस इतना सा ही था, छोटा सा ही मैंने बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलता है, हाउ टू गेट जॉब्स एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन किसी ने मतलब ऐसे उनको समझा नहीं, किसी ने एकदम डिटेल में मतलब कुछ लोगों को समझा नहीं एक्चुअली वो वीडियो, तो उन्होंने जस्ट मुझे इंस्टा पर मैसेज किया था कि मैम बना दो। और हाँ जीत जी, ये एक्चुअली आपकी रिक्वेस्ट थी जो मैंने पूरी कर दी है, तो इसके लिए लाइक तो कर दो मेरी वीडियो को, ठीक है। तो यस, और मैं मिलूँगी आपको बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, ट्राई कर रही हूँ यार डेली का कंटेंट डालूँ कुछ इस चैनल पर, लेकिन टाइम नहीं है, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आई एम नॉट दैट मतलब फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, आपके साथ है आप नहीं दिखा रहे हो, तो बाय टिल देन गाइस, बाय, इंजॉय। और हाँ, मैं एक बात बोलूँगी, जो आपको मेरा जो लास्ट वाला जो व्लॉग था, वन वीक ग्रोसरी ना जापान, वो वीडियो आई थिंक बहुत सारे लोगों को पसंद आ गया है, बहुत अच्छा खासा मतलब लोगों ने उसको रिस्पॉन्स दे रखा है, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। और आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। टिल देन guys, bye।